चलो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव शीट नंबर 16 होमवर्क के लिए दी थी, कितने लोगों ने ट्राई की? ठीक है, तो इस शीट में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था, 4 भी शायद कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 5 भी शायद कर लिया था। नहीं, 5th से स्टार्ट करेंगे, एक ओवरव्यू दिया था, 5th से करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये गिवन है कि एक 2 वोल्ट की बैटरी गिवन है, 15 ओम का रेजिस्टर गिवन है और ये एक पोटेंशियोमीटर वायर गिवन है जिसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है और जिसकी लेंथ 1 मीटर है। नीचे आपने एक सर्किट लगाया हुआ है 1.5 वोल्ट का और विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1.2 ओम और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी है 0.3 ओम। क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने आपको ये पहले भी बताया, लास्ट टाइम भी, फिर एक बार डिस्कस करते हैं कि क्योंकि बैटरी में से बाहर करंट आ रहा है तो यहाँ पर अगर 1.5 है तो ऊपर 1.5 डेवलप नहीं होगा, क्योंकि बैटरी के टर्मिनल में से जब करंट बाहर आता है तो बैटरी के टर्मिनल्स में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। उस पोटेंशियल का नाम क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक काम करते हैं, इस पोटेंशियोमीटर का करंट डिफरेंट है और नीचे वाले सर्किट का डिफरेंट है, ऊपर वाले सर्किट का पोटेंशियोमीटर का करंट क्या होगा? 2/15 प्लस टोटल रेजिस्टेंस कितनी? 10। और नीचे वाले सर्किट का करंट क्या होगा? I डैश इज 1.5 डिवाइडेड बाय 1.2 प्लस 0.3, 1 एम्पियर। तो यहां पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 1.5 माइनस I टाइम्स स्मॉल r। तो यहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज E माइनस I डैश, जो भी I डैश है, इनटू 1.2। तो V इज इक्वल टू E का मतलब 1.5, I डैश का मतलब कितना है 1 और इनटू 1.2, तो क्या आएगा? 0.3 वोल्ट। तो पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर 0.3 वोल्ट है, जब इसमें से करंट बाहर आएगा तो 1.5 वोल्ट काउंट नहीं होगी, 0.3 वोल्ट काउंट होगा, तो यहां पर भी क्या डेवलप होगा? 0.3 वोल्ट। अब ओम लॉ के अकॉर्डिंगली जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां डेवलप होगा 0.3 वोल्ट इस करंट आए इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ AO, ओम लॉ ऐसे लगता है, 0.3 इस करंट आए इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ AO। तो 0.3 करंट I की वैल्यू इसमें क्या होगी? 2/25 और रेजिस्टेंस AO की निकाल लेते हैं। अगर लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो रेजिस्टेंस कितनी है? 10 ओम है, 1 सेंटीमीटर के लिए 10/100 है और AO लेंथ के लिए 10/100 इनटू AO है। तो ये रेजिस्टेंस को उठा के अब यहां पे पुट करेंगे, सॉल्व करके AO कैन बी कैलकुलेटेड। तो यहां से आप AO बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? और एक चीज आपको और निकालनी है और वो है पोटेंशियल का ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए काम करें, पोटेंशियोमीटर की वायर ले लें। पूरे पोटेंशियोमीटर की वायर कितनी है? 100 सेंटीमीटर लंबी है। पूरे पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? I टाइम्स रेजिस्टेंस कितनी है इसकी? 10। तो पूरी वायर की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू I टाइम रेजिस्टेंस कितनी है इसमें? 10, I इनटू 10 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल लिया अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द वायर पोटेंशियल ग्रेडियंट है। आई की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2/15 प्लस 10 और यहां पर वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास आंसर आएगा 8×10^-3 वोल्ट पर सेंटीमीटर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है? ठीक, दोनों पार्ट्स क्लियर है। अगली बार आपका स्लाइड वायर ब्रिज का और पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स का टेस्ट है सिर्फ। आज सिर्फ थ्योरी डाली है, अगली बार सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे। 2 क्वेश्चन होंगे स्लाइड वायर ब्रिज पे न्यूमेरिकल और 2 क्वेश्चन होंगे पोटेंशियोमीटर के, जो हमने किए उसको रिवाइज करके आना है सारा। अगली क्लास में संडे को आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है पूरा और इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव। हाँ, पूरा इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया, बस क्लोज है, आज ही क्लोज है। इसके बाद हीटिंग इफेक्ट है, वो अगला पार्ट है इसका। तो हीटिंग इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट 2 लेक्चर का काम है, ये अभी हम बस ये 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगी और फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की तरफ जाएंगे। ठीक, बहुत टाइम स्पेंड कर लिया हमने इस पे, सफिशिएंट है, अब बहुत है, इतना एक क्वेश्चन आना है उसके लिए सफिशिएंट है। ठीक, क्योंकि है भी वास्ट, थोड़ी बड़ी है और ऐसा नहीं है कि अभी काम नहीं आएगी, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी फिर से काम आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट बेकार नहीं जाएंगे इतने यूज़ किए हुए, मॉडर्न फिजिक्स थोड़ी ईजी लगनी स्टार्ट हो जाएगी इसमें। पॉइंट समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों ने ट्राई किया और हो गया? इसका आंसर बता देता हूँ,
इसका आंसर है 0.5 ओम्स। किसी का आया हो अगर, आ गया। पोटेंशियोमीटर वायर कैरीज अ करंट, पोटेंशियोमीटर वायर कैरीज अ करंट, येरी वायर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 70 सेंटीमीटर ऑफ इट, इसके अबाउट बैलेंसिंग लेंथ गिवन है 70 सेंटीमीटर ऑफ इट, बैलेंसेस द पॉइंट डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम कॉइल, 2 ओम कॉइल येरी, सप्लाइड बाय अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, ये रहा। तो मतलब एक इसको 70 सेंटीमीटर को बैलेंस किया गया है किससे, 2 ओम की कॉइल के साथ जो कि फर्दर कनेक्टेड है 2 वोल्ट के साथ। तो बैलेंसिंग लेंथ कहां पर आती है, 70 पे। फिर वो कह रहा है व्हेन 1 ओम कॉइल इज प्लेस्ड इन पैरेलल विद 2 ओम कॉइल, जब 2 ओम के साथ 1 ओम पैरेलल में लगेगा तो बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो जाती है, 70 की जगह कितना, 50। तो बताओ इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस इस बैटरी की कितनी है। पोटेंशियोमीटर की डायमेंशंस के बारे में कुछ भी नहीं गिवन, ना रियोस्टैट गिवन है, ना ई गिवन है, ना पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ गिवन है, ना पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन, सब कुछ नीचे के सर्किट का ही गिवन है। हाँ, मेरे को एक बात जरूर समझ में आती है कि बैटरी कनेक्टेड है विद सम इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी 2 वोल्ट की है, तो यहां पर 2 वोल्ट डेवलप नहीं होगा क्योंकि बैटरी में से करंट नीचे निकल गया, तो 2 वोल्ट से कम डेवलप होगा, और उस वी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस सर्किट के नीचे कितना करंट है, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर, करंट इज इक्वल टू ईएमएफ 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर। तो इसके अंदर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 2 माइनस इसका करंट आई इंटू स्मॉल आर, ये स्टेप क्लियर है। और आई की वैल्यू हमें मालूम है ऑलरेडी कितनी, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर, ये रहा। तो दिस इज ए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर 2 वोल्ट बिल्कुल भी डेवलप नहीं होगा, 2 वोल्ट की जगह इतने वोल्ट डेवलप होगा, और ये जो भी डेवलप होगा, जो भी डेवलप होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू यहां का जो भी करंट होगा आई डैश इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 70 सेंटीमीटर। तो जो भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर डेवलप हुआ, कितना डेवलप हुआ, इतना डेवलप हुआ, ये किसके इक्वल होगा, ओम लॉ लगा दें यहां पर, यहां का करंट आई डैश इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 70 सेंटीमीटर। ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, तो इसको तो ऐसे ही रखते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि करंट आई डैश में निकाल नहीं सकता क्योंकि मेरे को पोटेंशियोमीटर की कोई भी डायमेंशन गिवन नहीं है, मुझे कोई डायमेंशन नहीं गिवन, तो मैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर लगा देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर डेवलप होगा इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, क्योंकि जब आई डैश पता ही नहीं है तो फिर प्रोपोर्शनैलिटी में काम कर लेते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू 70 सेंटीमीटर। फिर दूसरा केस वो क्या कह रहा है कि 2 ओम के साथ 1 ओम पैरेलल में लगा दो, जब 2 और 1 पैरेलल में होंगे तो 2 × 1 / 2 + 1 = 2/3। तो उस केस में ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 में 2 की जगह 2/3, तो बैलेंसिंग लेंथ 70 की जगह 50। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो, डिवाइड करके स्मॉल r की वैल्यू 0.5 आ जाएगी आंसर, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है। ट्रिकी छोटे छोटे ट्रिक्स हैं इसमें कि अगर पोटेंशियोमीटर वायर का कुछ भी नहीं गिवन होगा तो क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी में काम कर लेंगे, अगर गिवन है तो ओम लॉ लगा लेंगे, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन, कब क्या लगेगा ये करके ही पता लगेगा, कोई डाउट इसमें, हो जाएगा सॉल्व ये, मैं इसे अपलोड कर दूंगा अभी व्हाट्सएप पे, तो जिसने जो नोट नहीं किया तो वहां से आप नेक्स्ट टाइम तैयारी करके आओगे तो एटलीस्ट आपका असाइनमेंट होगी का, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि इस कैसे करना है, रिवाइज कर लेना, ठीक। कितने लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और इसका आंसर है 280 सेंटीमीटर, कितने लोगों ने ट्राई किया, ठीक है। देखो पोटेंशियोमीटर वायर हैज 5 सेगमेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक पोटेंशियोमीटर की वायर है, ये पोटेंशियोमीटर की जो तार है, जो वायर है, इसके 5 हिस्से हैं, 5 सेगमेंट्स हैं, ये 5 सेगमेंट में हर एक सेगमेंट 1 मीटर लंबा है, तो 5 सेगमेंट कितने लंबे हुए, 5 मीटर लंबे हो गए, 1 सेगमेंट 1 मीटर, 5 सेगमेंट 5 मीटर, तो टोटल लेंथ पोटेंशियोमीटर की कितनी है, 5 मीटर है, तो ये पॉइंट क्लियर है। अब वो कह रहा है अ बैटरी इज यूज्ड टू पास अ स्टेडी करंट थ्रू इट, इट इज फाउंड दैट ईएमएफ ऑफ अ सेल कैन बी बैलेंस्ड एट 350 सेंटीमीटर, कह रहे नीचे एक ईएमएफ लगाई
जो कि बैलेंस किया गया, और बैलेंसिंग पॉइंट कहां पर आया, 350 सेंटीमीटर फ्रॉम जीरो एंड। नाउ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस फोर सेगमेंट ऑफ द वायर। कह रहे हैं अब पांच सेगमेंट की जगह पोटेंशियोमीटर वायर में चार सेगमेंट यूज करते हैं। जब पांच सेगमेंट यूज करते थे तो पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ क्या थी, 5 मीटर। जब चार सेगमेंट यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ क्या होगी, 4 मीटर। तो बेसिकली आपने पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि अगर मैंने सेगमेंट चार यूज किए तो बताओ यहां पर बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी। तो जब पांच सेगमेंट है तो 350 सेंटीमीटर है, जब चार सेगमेंट है तो बताओ बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देना चाहिए था कि रियोस्टैट की जो रेजिस्टेंस है वो निग्लेक्टेड है, क्योंकि जब मैंने रियोस्टैट की रेजिस्टेंस को कंसिडर किया तो इसमें रियोस्टैट की वैल्यू ही नहीं आई, एक वेरिएबल बच गया, हुआ नहीं सॉल्व मुझसे भी है। तो मैंने रियोस्टैट को निग्लेक्ट किया तो फिर आंसर आ गया। पॉइंट क्लियर है, तो इसमें लिख लेना रियोस्टैट की रेजिस्टेंस इसमें निग्लेक्टेड है। तो एक टेक्निक बताता हूं, जिन क्वेश्चंस में आपको ना इस वायर की रेजिस्टेंस नहीं गिवन होती, सिर्फ लेंथ लेंथ गिवन होती है, तो आप एक सबसे पहला एक काम करें, आप कंसिडर कर लें स्मॉल आर अपने ही तरफ से एक रेजिस्टेंस है, अदर रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। तो मतलब आप इमेजिन कर लें कि स्मॉल आर का मतलब 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो 500 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस 500 इंटू स्मॉल आर है, 400 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस 400 इंटू स्मॉल आर है। तो इससे आपको आसान हो जाएगा हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस, क्योंकि मैंने स्मॉल आर को खुद एज्यूम करना है तो मैं एंड में से इलिमिनेट भी कर दूंगा। तो इमेजिन कर लो स्मॉल आर का मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, क्योंकि पूरी वायर 500 सेंटीमीटर लंबी है तो पूरी वायर की रेजिस्टेंस कितने टाइम्स आ जाएगी, 500 इंटू आर आ जाएगी। तो बताओ इसमें करंट कितना घूमेगा, बैटरी ई डैश, पोटेंशियोमीटर की बैटरी ई डैश डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितनी, 500 आर। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो ई डैश डिवाइडेड बाय 500 आर। उसके बाद अब इस ईएमएफ को हमने बैलेंस किया, जब हमने इस ईएमएफ को बैलेंस किया तो बैलेंसिंग लेंथ क्या आई, 350 सेंटीमीटर। तो अगर ये ई है इसमें से करंट को बाहर निकलेगा नहीं, बिकॉज गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आएगी यहां पर, जीरो। तो अगर ये E है तो ये भी क्या कितना डेवलप हो जाएगा, E E इज इक्वल टू ओम लॉ लगाओ यहां पर, करंट I इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 350 सेंटीमीटर। तो E इज इक्वल टू करंट यहां पर I इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 350 सेंटीमीटर। I की वैल्यू हमने निकाल ली, पुट कर दी, और रेजिस्टेंस 350 सेंटीमीटर की क्या होगी, 350 इंटू आर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस आर है, 350 सेंटीमीटर की 350 आर है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर, आर से आर कैंसल, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ई और ई डैश में रिलेशन आ गया। 10/7 की जगह 7/10 करो, यहां पर करेक्शन है, 10/7 नहीं है, 7/10 है ये। ठीक है ना, ठीक, कोई डाउट इसमें आगे। अब इसके अंदर केस नंबर 1 क्लोज हो गया, केस नंबर 2 में इस वायर की कितने सेगमेंट कंसिडर किए, 4। तो 4 सेगमेंट का मतलब क्या आएगा, 400 आर। तो यहां पर करंट क्या आएगा, ई डैश डिवाइडेड बाय 400 आर। किसको बैलेंस किया, ई को बैलेंस किया, ई विल बी इक्वल टू करंट आई डैश इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एल सेंटीमीटर। तो ई इज इक्वल टू आई डैश का मतलब ई डैश बाय इसमें 400 आर, और रेजिस्टेंस एल सेंटीमीटर की क्या होगी, एल इंटू आर, आर से आर कैंसल, ये टर्म आ गई। अब ऊपर E और E डैश का रिलेशन हमने निकाला, E और E डैश को 7/10 पुट कर देना यहां पर, उल्टी रेशियो 7/10, सॉल्व करके आंसर 280 सेंटीमीटर आएगा इसमें। पॉइंट समझ में आया कि इस क्वेश्चन को कैसे किया, बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि लेंथ को चेंज, कॉन्सेप्ट वही है कि नीचे और ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, एंड वी अप्लाई ओम्स लॉ आई इंटू आर, आंसर। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक,
कैलकुलेशन एरर है, हाँ पता नहीं क्या आंसर है, चेक कर लेना। हाँ 7/10 बोला मैंने ना, 10/7 मैंने करेक्शन करवाई थी 7/10 की।